अस्सलामुअलैकुम, मैं बखैर हूँ, उम्मीद है आप भी बखैर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारे काम जो है एक साथ कर सकते हैं इस एक एप्लीकेशन के ज़रिए ही। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इसका फीचर जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है कि कॉल ब्लॉकिंग का, यानी अगर आपके पास में कोई स्पैम नंबर से कॉल आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगा अगर आप उसके अंदर में सेटिंग कर रखे हैं। तो अगर कोई आपको कॉल कर रहे हैं वो स्पैम नंबर है या रियल नंबर है वो आप पता कर सकते हैं इजीली इस एप्लीकेशन के जरिए। जी हाँ, कॉल आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर गलत है, यानी स्पैम नंबर है या फिर सही नंबर है, रियल नंबर है। और इसके जरिए आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। अगर अगले के पास में भी सेम टू सेम एप्लीकेशन है तो आप यहाँ से, यानी इस एप्लीकेशन के जरिए, जैसे व्हाट्सएप पर आप चैट करते हो उस तरीके से इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करके आप उनसे चैट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं SMS भेजने के लिए भी, या फिर एज अ डायलर पैड, जो डायल पैड होता है ना आपको, जो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट मिलता है उसके जगह पे आप इसके डायल पैड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करके। जी हाँ, आप इसके अंदर में चाहे तो आप अपना बैंकिंग काम भी कर सकते हैं, जैसे UPI से जो होता है वो कनेक्ट करके इसको आप इसके जरिए पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और लोन से भी रिलेटेड कई सारे ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर में, तो आप जब इसको यूज़ कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। वैसे तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ ही कि हाँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ में किस पर्पज़ के लिए कब यूज़ करना है। वैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के यूज़ के लिए, यानी इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं, उसके हर एक फीचर्स को इस्तेमाल करके के मैंने गाइड किया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप उसको जान सकते हैं, यानी उसके यूज़ को, इसको इस्तेमाल को और किस किस चीज़ में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके, क्योंकि वो प्लेलिस्ट का लिंक है और आपको आई बटन पर भी नजर आ रहा होगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। सो ज़्यादा टाइम को न गंवाते हुए लेट्स शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर में आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिंपली आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहाँ पर आकर के आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च गूगल प्ले स्टोर में क्लिक करके आपको नज़र आएगा। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है ट्रू कॉलर, सिंपली आप ट्रू कॉलर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में आपको एप्लीकेशन नज़र आएगा, सिंपली आप स्टोर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नजर आएगा इंस्टॉल, सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ट्रूकॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेन मेन्यू से ओपन करना चाहते हो तो सिंपली मेन मेन्यू में आइए, यहाँ पर आकर के सिंपली आप देख लीजिए ट्रूकॉलर कहाँ पे है। ट्रूकॉलर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आता है, यहाँ पे आपको बताएगा स्मार्ट स्पैम फ्री डायलर एंड SMS। अब उसके बाद आपको करना क्या है, गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट आपको बनाना है, सेट डिफॉल्ट में आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं ट्रू कॉलर का, बट मैं करूँगा कैंसिल। उसके बाद में जो है मैं करूँगा यहाँ पे टू शो योर कॉल हिस्ट्री एंड टू फिल्टर स्पैम SMS, ट्रू कॉलर नीड्स एक्सेस टू योर कॉल्स कॉन्टैक्ट्स एंड SMS। सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको अलाउ करना है कॉन्टैक्ट्स के लिए। जाहिर सी बात है, बिना कॉन्टैक्ट्स को दिए हुए कैसे वो आपके बता सकता है आपको कि हाँ आपका जो कॉन्टैक्ट है वो स्पैम है या नहीं है। अलाउ पे क्लिक कीजिए, अलाउ पे क्लिक कीजिए, अलाउ पे क्लिक कीजिए, जो भी मैसेजेस होंगे सारे चीज़ों को ये चेक करेगा। उसके बाद बताएगा चूज योर नंबर, कौन सा नंबर है जिसके ऊपर में आप अपना ट्रू कॉलर आईडी बनाना चाहते हैं। आपके मोबाइल में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स बता देंगे, जैसे मेरे पास दो नंबर है तो यहाँ पे एक 888 वाला, 175 वाला। और उसके बाद में अगर आपको आपका मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे शो नहीं होता तो आपको करना क्या, इंटर नंबर मैनुअली पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना नंबर जो है इंटर कर दीजिए, जो भी आप नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं। तो मैं इसी नंबर को रहने दूंगा। सिंपली आपको करना क्या है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कंफर्म करना है, सिंपली आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में बताएगा योर प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट टू अस, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में सिंपली एक्सेप्ट एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कॉलिंग टू कंफर्म योर नंबर, आपके पास में कॉल आएगा, रिसीव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में लेट्स कंटिन्यू आएगा, यहाँ पे आपको बताएगा क्रिएट योर प्रोफाइल, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा भी चाहें वैसा। आप चाहें तो गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैनुअली भी टाइप नेम मैनुअली। सिंपली मैं क्या करूँगा, टाइप नेम मैनुअली पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो नाम देना चाहूँगा वो दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ
एंड ए के ए टेक कटिंग एंड टी ई सी एच आई एल वाई टेक ली फ्लाई। ईमेल आईडी आप देना चाहें तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। ये मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया। ईमेल आईडी देने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो है लोड होगा। लोड होने के बाद में जो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रूकॉलर फिर से क्या होगा, बैक जाएगा और फिर से यहाँ पे आ जाएगा बैकअप। अगर आपने बैकअप बना रखा होगा तो बैकअप के लिए यहाँ पे आएगा कि आपके फ़ोन के अंदर में आपके ट्रूकॉलर का बैकअप है, तो आपको चाहिए तो रजिस्टोर कर सकते हैं, नीचे तो नहीं कर सकते। मैं फिलहाल मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे आपको और भी चीज़ें शो करना है। सुनिए, मैंने स्किप पे क्लिक किया। यहाँ पे रजिस्टोर नाउ, रजिस्टोर यहाँ पे बता रहा है डोंट रजिस्टोर नाउ, यू कैन रजिस्टोर ओनली व्हेन यू विल इंस्टॉल ट्रूकॉलर ऐप अगेन। फिर से आप तब रजिस्टोर कर सकते हैं जब आप ट्रूकॉलर फिर से इंस्टॉल करेंगे। मैं कहूँगा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे रजिस्टोर नहीं करना तो नहीं करना है। आप इसको रजिस्टोर कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदा है, बट मुझे नहीं करना है एक्चुअली, मुझे चाहिए नहीं ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने इसको कर दिया। आप यहाँ पर बताएगा जो भी ऑफर्स इनके चल रहे होंगे, सारे के सारे ऑफर्स यहाँ पे आपको बताने वाला है, तो आप इसको चाहते हैं यहाँ से आप खरीद सकते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फ्री में भी बहुत सारे काम ये कर देता है, उतना काफ़ी हमारे लिए। सिंपली मैं इसको बैक वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बताएगा कि जो नंबर मैंने कॉपी कर रखा है उसको सर्च करने के लिए, यानी बाहर जगह पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये जो अपने आप हट जाएगा। अब जो है इसके बारे में जो भी डिटेल्स इससे रिलेटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन वो भी ₹0 में, तो वो कैसे ले सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं ₹0 में, आपको उसके लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ₹0 में बाय करना है। और हाँ सबसे बड़ी बात, सारे लिंक्स जो है मैं कहाँ पे देता हूँ, टेलीग्राम पे देता हूँ, बताता हूँ इंस्टाग्राम पे, लिंक देता हूँ टेलीग्राम पे कि कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना होगा, वीडियोस देखना होगा, उसके बाद आपको आना होगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आकर के उसको लिंक को हासिल करके वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर पहली बार इस शक्ल को देख रहे हैं, इस चेहरे को देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको रेड बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब, जिसका नाम क्या है सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन भी नजर आ रहा होगा बगल में, उसको दबा देंगे तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है। अब आप कह रहे होंगे नोटिफिकेशन बेल हम ऑन क्यों करें, आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब भी मैं टेक से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स और इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूं, वैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इजीली आप अपने टेक लाइफ को इजी बना पाए, इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना है। और हाँ, अगर अभी तक के आपने सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको आईडी जो है यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप इस आईडी के जरिए मुझे फॉलो कर सकते हैं हर एक सोशल मीडिया पे। जी हाँ, और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं एक्टिव कहाँ पर रहता हूँ तो मैं आपको मिल जाऊँगा इंस्टाग्राम पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पर मैं आपके इशूज़ को जो है पर्सनली सुनने के लिए रेडी हूँ। तो आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं फ्रीली। जी हाँ, माइंड फ्री होकर के आप आइएगा ताकि बात करने में ज़्यादा मजा आए। ओके, तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।